तो आप उसको मना नहीं किया कि हम किस चीज़ का पैसा दे आपको? ब्लॉक में खर्चा होता है, यहाँ पर देना पड़ता है, वहाँ पर देना पड़ता है, हमको दो। अररिया जिला के जोकीहाट प्रखंड में मनरेगा और आवास योजना में लूट के मामले ने तुल पकड़ लिया है। यहाँ के सिमरिया पंचायत के एक वार्ड सदस्य पर लूट खसोट करने का आरोप लोगों ने लगाया है, जिनकी हरकतों से परेशान होकर खिरदा के ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। इस बाबत वीडियो और थाने में आवेदन भी दिया गया है। मिला था उसमें से 10,000 रुपया लिया था, और दूसरा किस्ती मिला तो उसमें 9,000 रुपया लिया था, तीसरा किस्ती मिला तो उसमें 8,000 रुपया लिया था, ये कह के कि आगे खर्चा होता है, हमको देना होता है। ये कौन कहता था? ये कहा वार्ड सदस्य का पति महेंद्र उर्फ कैलाश बिहारी। अच्छा, तो वो मांग रहे थे, आप बार बार निकाल के दे रहे थे? जी, वो कह रहा था कि बगैर खर्चा का नहीं होगा आपका काम। पहले किस्त में 15,000 ले लिया, दूसरा किस्त में 13,000 लिया, तीसरा किस्त में 13,000 लिया, उसके बाद लेबर वाला पैसा आया था, हमको बोला कि मेरा सड़क वाला पैसा है, दो हमको निकाल के सर, दोनों बाप और लड़का आया, दोनों पैसा सर फिंगर से निकाल लिया, बोला क्या चेक करेंगे, पैसा निकाल लिया। जोकीहाट प्रखंड में सरकारी योजना में लूट खसोट आम मसला है। इस बार भी आवास योजना के लाभुकों से पहली, दूसरी और तीसरी किस्त की राशि भुगतान कराने को लेकर भारी रकम ऐंठने का मामला सामने आया है। वहीं मनरेगा कार्य की राशि बैंक अकाउंट से ही गबन करने का भी आरोप लोगों ने लगाया है। जिसमें सर पहला किस्त में 16,000 ले लिया था, उसके बाद दूसरा किस्त मिला उसमें 15,000 ले लिया, और तीसरा में सर 14,000 लिया सर, उसके बाद लेबर वाला टाका जो आया सर 3 किस्त उसमें ले लिया सर, फिंगर दे के सर बोला क्या सड़क का टाका आया है, हमको दो। तो आप उसको मना नहीं किए कि हम किस चीज़ का पैसा दे आपको? ब्लॉक में खर्चा होता है, यहाँ पर देना पड़ता है, वहाँ पर देना पड़ता है, हमको दो। हालांकि वार्ड सदस्य प्रतिनिधि कैलाश बिहारी उर्फ महेंद्र मंडल ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य में कुछ लोगों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर जोकीहाट थाने में 6 लोगों के खिलाफ आवेदन भी दिया गया है। और सड़क निर्माण कार्य को लेकर के रंगदारी मांगने के क्रम में हमने रंगदारी उसको देने से असमर्थ हो गया, जिसके चलते यह जो है गलत आरोप हम पर लगाया जा रहा है, क्योंकि यह मामला 2-3 साल पहले की है। इंदिरा आवास उसको मिलने से 3 वर्ष लगभग हो चुके हैं। अगर मैं उसे रुपया लेता या कुछ भी करता तो उसको इतना दिन विलम्ब से आरोप लगाने की क्या जरूरत थी, उसी समय उसको आरोप लगा लेना चाहिए। लेकिन 3 साल बीतने के बाद आज हम पर जो है गलत आरोप लगाया जा रहा है।